हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद खेमानी और इस चैनल पर हम बात करते हैं मेंस लाइफस्टाइल के बारे में। स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस, यू नेम इट, वी गॉट इट राइट। और यार आज हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक, हाउ टू स्टाइल योर हेयर विद हेयर स्प्रे, पर जो मैंने वीडियो किया था यार, मैं उसकी कमेंट्स देख रहा था, वो सब कमेंट ब्रो यार पूछने का था, रेगुलर बेसिस पे हेयर स्प्रे यूज कर सकते क्या? बहुत हाँ, आई गेट बैक टू यू, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, जस्ट अ मिनट राइट। हाँ ब्रो ब्रो, तो डेली बेसिस पे कितना डेली बेसिस पे यूज कर सकते ब्रो? हाँ मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट द वीडियो राइट, आई गेट बैक टू यू। तो उस पर मुझे इतनी सारी कमेंट्स आई कि क्या बताऊं मैं, और वो कमेंट्स देख के मैं एक्चुअली घबरा गया, यू नो आई फ्रीक्ड आउट, क्योंकि ब्रो ब्रो कौन सा हेयर स्प्रे यूज कर सकते डेली बेसिस पे ब्रो? सर सर आई एम ट्राइंग टू शूट प्लीज, इसी बात पर वीडियो कर रहा हूँ, मैं बताता हूं अभी बताता हूं राइट। हाँ सो यार मैं फ्रीक आउट कर गया एकदम से वो जो कमेंट्स देख के, वो कमेंट्स आप देख लीजिए एक बारी, ये सब कमेंट्स हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं क्या? मैंने फिर रिस्पॉन्ड किया है कि वंस इन अ व्हाइल आप यूज कर सकते हैं ये, तो उसमें फिर क्वेश्चन की अच्छा रेगुलरली यूज करने वाला हेयर स्प्रे कौन सा है? सर हेयर स्प्रे रेगुलरली यूज नहीं करते राइट, ये मैं ये उस वीडियो में भी बोला था मैंने ये। सो सबसे पहले हम स्प्रे यूज कब करते हैं? See, a lot of the times, जब actors कोई award functions के लिए जाते हैं, they use waxes, they use pomades, and they use hair sprays as well. So, ये कोई event, let us say you're going in the evening, कोई शादी है, कोई reception है, actors use these as their hair set product for the events, right? Award functions हो गए, ऐसे कोई events हो गए. Like this product is great for evenings. बट अगेन डेली बेसिस पे यूज करना मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ स्प्रे का, इट्स ओनली फॉर एन इवेंट जहां पे यू वांट योर हेयर टू बी रियली रॉक सॉलिड, यू नो परफेक्ट फॉर द इवनिंग्स, उस टाइम पर आप यूज कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं। देखिए हेयर स्प्रे जो है, ये जो एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं वो भी स्पेरिंगली यूज करते हैं इवेंट्स के लिए, उनके कोई पर्टिकुलर शूट्स के लिए यूज करते हैं, डेली बेसिस पे हेयर स्प्रे कोई यूज नहीं करता राइट। सो यार मेरा चैनल बंद मत करवाओ ठीक है, मैंने उस वीडियो में भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं, हेयर स्प्रे कोई रेगुलरली यूज करने वाली चीज नहीं है। लेट्स से यू गोइंग फॉर एन इवेंट, आपके कोई दोस्त की शादी है, रिलेटिव्स में शादी है, आप वहां जा रहे हैं एंड यू वांट योर हेयर टू बी प्रॉपर सॉलिड सेट ठीक है, वो केसेस में आप हेयर स्प्रे यूज कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आई वोंट रेकमेंड। ये मैंने उस वीडियो में भी बोला था, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, और इस वीडियो के एंड तक मैं दो या तीन बार और रिपीट करूंगा कि नहीं रेगुलर ये नहीं भाई साहब, रेगुलरली नहीं यूज कर सकते हेयर स्प्रे आप, क्योंकि सी व्हाटएवर इट इज केमिकल्स होते हैं उसमें, रेगुलरली यूज करेंगे आपकी स्कैल्प पे अफेक्ट आएगा राइट। और कोई भी चीज जब आप यूज करते हैं, इट्स हेयर वैक्स, हेयर जेल, पोमेड, स्प्रे, जो भी चीजें आप यूज करते हैं, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए, मैं रेकमेंड नहीं करता राइट। मैं खुद जो है मैं ये चीजें यूज करते आ रहा हूँ, आई थिंक आई स्टार्टेड यूजिंग दीज थिंग्स इन 2002 या 2001-2002 से मैंने स्टार्ट किया राइट, मैं यूज कर रहा हूं और मुझे सूट करता है, क्योंकि मेरी स्कैल्प पे उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आया अब तक, आई हैव नेवर हैड हेयर फॉल, ब्रिटल हेयर बिकॉज ऑफ ये सब प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन योर हेयर कैन बी डिफरेंट देन माइंड, योर स्कैल्प इज डिफरेंट देन माइंड, तो अब Eventually, regularly use करने से आपकी स्कैल्प पे क्या इफेक्ट आएगा, इट कैन बी डिफरेंट राइट। सो आई डेफिनेटली डोंट रेकमेंड, स्प्रे की क्या बात करें, मैं तो जेल, वैक्स, पोमेड, ये कोई भी प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं रेकमेंड करता हूं। मैं खुद 3-4 दिन हफ्ते में यूज करता हूँ जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, और मैं 2-3 दिन रेस्ट देता हूँ बालों को, मेरी स्कैल्प को रेस्ट देता हूँ मैं, उस दिन मैं कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करता। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर राइट आप ट्राई कीजिए, अगर आपके बालों पे एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है देन स्टॉप यूजिंग इट, अगर आपके बालों पे एडवर्स इफेक्ट नहीं दिख रहा है, यू थिंक इट्स ओके विद यू, देन गो ऑन विद इट, बट डेली रेकमेंड तो मैं फिर भी नहीं करूंगा, अगर एडवर्स इफेक्ट ना भी दिखे आपको यूज करने के बाद, तो फिर भी मैं डेली बेसिस पे यूज करना रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज सी योर स्कैल्प नीड्स टू ब्रीथ। आप रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस पे अगर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, योर स्कैल्प वोंट गेट द टाइम और द एटमॉस्फेयर टू ब्रीथ। अगर अप्लाइड है प्रोडक्ट, इट कवर्स द स्कैल्प, अब स्पेयरिंगली यूज कीजिए जो भी यूज करना है आपको, whether using a wax, pomade, gel, स्प्रे तो बिल्कुल रेगुलरली यूज नहीं करना है, that is completely, you know, no-no वाली चीज, ठीक है? So, भाई साहब, I hope आपको अभी जवाब मिल गया होगा अपना,
रेगुलर बेसिस पे नहीं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं, मैं खुद तीन से चार दिन अप्लाई करता हूं, उसके बाद मैं लेट इट बी, आई लेट माय स्कैल्प रेस्ट. सो दिस इज हाउ इट गोज, द अप्रोच टू यूजिंग हेयर प्रोडक्ट्स. ओके, सो दिस इज इट गाइस. आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप. एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज़ वी आर पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन मेंस लाइफस्टाइल, स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस, यू नेम इट, वी गॉट इट, राइट? एंड होप टू सी यू ऑन द अदर साइड. इन द मीनवाइल दिस इज बीके साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय, टेक केयर.